सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं SCL वर्सेस MSC के T10 मैच के बारे में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो पे लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और अब हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमारी पॉसिबल 11 की ऐप में है। पॉसिबल 11 का की ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे उसको जाइए डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको सारी क्रिकेट नॉलेज वहाँ पे मिल जाएगी। और दूसरा, अगर आपको यहाँ पे भी नहीं करना तो आप नॉर्मल डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, एंड मूवमेंट अपडेट्स जो भी होंगी वीडियो मैच के बारे में, कोई प्लेयर चेंज होना है, कोई कैप्टन चेंज होना है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताऊँगा, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं हम मैच के बारे में, SCL वर्सेज MSC। तो अगर हम इनकी प्लेइंग 11 देख लें तो आपको, जैसे कि आपको पता ही है वीडियो में, मतलब इन मैचों में प्लेइंग 11 ज़्यादा चेंज नहीं होती, तो सेम प्लेइंग 11 खेलेगी अभी तक। बाकी वही बात है, अगर कोई चेंज होता है रेयरली एंड मोमेंट पे, तो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट आ जाएगी, तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी प्रीव्यू की बात कर लेते हैं, तो हमारे SCL टीम के बारे में बात कर लेते हैं। SCL टीम हमारी अच्छी फॉर्म में है, सिर्फ पहला मैच आ रही है, बाकी दो मैच जीती है। आपको पता है मोमेंटम इनके साथ है, विनिंग मोमेंटम के साथ चल रही है। अगर इनके ओपनिंग पेयर की बात करें तो जॉनसन चार्ल्स आज के मैच में बहुत अच्छी पिक रहेंगे। जॉनसन चार्ल्स, वेट क्लॉविस ओपनिंग पेयर है इनका। मिडल ऑर्डर देख लेते हैं, मिडल ऑर्डर में अपना सिमंस हो गए, इंग्लिस हो गए, कैलेंडर हो गए, ये बहुत अच्छा मिडल ऑर्डर है। एंड बॉलिंग की साइड की बात कर लेते हैं, तो बैप्टिस्ट एंड सिमंस ये हमारी पेस बॉलिंग संभालेंगे आज की इस टीम में से। बेस्ट पिक मैं आपको बताऊँ तो जॉनसन चार्ल्स आपके लिए बेस्ट पिक हो सकते हैं, आप इनको स्मॉल लीग में कैप्टन बनाइएगा। बाकी MSC की बात कर ले तो MSC का सीज़न इतना कुछ खास रहा नहीं है, एक ही मैच जीती है, दो मैच हारी है। सो इनको एक विनिंग मोमेंटम की ज़रूरत है, एक इनको मैच ऐसा मैच जीतने की ज़रूरत है कि हाँ एक टीम अच्छी है उसको हराएं, तो इनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। सो ये मैच इनके लिए ज़रूर वो मैच बन सकता है जिसमें जीत सकते हैं। बाकी अगर हम इनकी ओपनिंग पेयर की बात कर लें तो ओडी चैंगो, चार्ल पॉलियस इनके लिए ओपन करेंगे। मिडल ऑर्डर में एडमंड आएंगे, शॉलेट आएंगे, ये हमारी अच्छी पिक रह सकते हैं, शॉलेट ऑलराउंडर है अच्छे। एंड लियोन पॉलिस आएंगे। बाकी पेस ऑर्डर की बात कर लेते हैं तो स्टैनी लॉस एंड सरविन हमारे पेस ऑर्डर संभालेंगे बॉलिंग। हेड टू हेड की बात कर लेते हैं तो SCL अपने दो मैच जीती है, MSC एक मैच जीती है। फेवरेट्स भी इस मैच में वैसे तो SCL है, बट होप सो इस मैच में MSC कुछ ऐसा करे कि SCL को हरा दे और विनिंग मोमेंटम में आए, ताकि पॉइंट्स टेबल में उनके लिए थोड़े से अप जा सके पॉइंट्स टेबल में। फैंटेसी टिप्स की बात कर लेते हैं तो विकेट कीप जॉनसन चार्ल्स आपके लिए बहुत अच्छी पिक रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। ऑलराउंडर आप ज़रूर अपने इस टीम में ट्राई करिएगा। स्मॉल लीग के लिए कैप्टन बनाएंगे तो जॉनसन चार्ल्स और वाइस कैप्टन एम शॉलेट। ग्रैंड लीग के में आप एक्स गेबल को ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे बॉलर रहेंगे। की प्लेयर्स की बात कर लेते हैं तो जॉनसन चार्ल्स, इंग्लिस, कैलेंडर, चार्ल्स, लियो, बैप्टिस्ट। MSC के की प्लेयर्स की बात करते हैं, ओडी चैंगो, चार्ल पॉलियस, एडमंड शॉलेट, डेल स्मिथ, क्रिश्चियन एंगे। पिच की बात कर लेते हैं तो सुकाई जी एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, 100 रन से ज़्यादा तो बनेंगे ही, बन ही जाते हैं, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं इस पिच पे 100 रन मारना 10 ओवर्स में। सो एक्सपेक्टेड है कि बैट्समैन को बहुत अच्छी फ़ायदा पहुँचाएगी, अच्छे रन्स पड़ेंगे। सो देखते हैं अब क्या होता है मैच में। सो गाइस, बात कर लेते हैं अपनी ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में। सो इधर से विकेट कीपर सेक्शन में से आप विदाउट एनी डाउट जॉनसन चार्ल्स ले सकते हैं, अच्छी पिक रहेंगे जॉनसन चार्ल्स। चाहे तो आप एम लूजी के साथ जा सकते हैं, बट हम अभी इनके साथ नहीं जाएंगे। बैटिंग बैट्समैन की बात कर लेते हैं तो ओ चैंगो, एडमंड एंड क्लोविस। इंग्लिश भी अच्छी पिक रह सकते हैं, मिडल ऑर्डर में आएंगे, आपको पता ही है अगर, और इनके ओपनिंग बैट्समैन आउट हो जाते हैं SCL के, तो मिडल ऑर्डर को W इंग्लिश ही संभालेंगे। सो आप ले सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से ले लें तो सी कैलेंडर, एम शॉलेट एंड पॉलियस। लियो के साथ भी जा सकते हैं आप चाहें तो, फिलहाल के लिए अभी हम नहीं जा रहे। बात कर लेते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की, एम मॉडेस्ट, सी एंग एंड
इधर से मैं जाऊंगा बैपटिस्ट के साथ सिमंस, सिमंस की जगह आप गैब्रियल ले सकते हैं, गैब्रियल की जगह सिमंस ले सकते हैं। दोनों में से एक सेकंड, दोनों में से आपको एक पिक तो ज़रूर लेनी ही लेनी है, चाहे आप गैब्रियल लीजिए चाहे सिमंस लीजिए। गैब्रियल को आप ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी हम सिमंस के साथ जाएंगे, अगर कुछ चेंज होता है तो टेलीग्राम चैनल पर हम लास्ट मोमेंट पर टीम अपडेट कर देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो चलते हैं अपने कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ। जॉनसन चार्ल्स मेरे लिए इस टीम में कैप्टन रहेंगे और एम शॉलर वाइस कैप्टन फिलहाल के हिसाब से, सेफ टीम। तो गाइस ये मेरी टीम रहेगी आज के मैच के लिए, बाकी एंड मूवमेंट अपडेट आपको दे देता हूँ, दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे। एंड यस गाइस, आप लोग एक बंदे ने मेरे को बोला था कि सर अपनी विनिंग तो दिखाइए, मतलब कितने आप स्मॉल लीग जीत रहे हैं नहीं जीत रहे। तो गाइस मैं आपको विनिंग का एक स्क्रीनशॉट शेयर करने वाला हूँ, वेट। ये देखिए गाइस, विनिंग के लिए स्मॉल लीग मैंने 28 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे अलग अलग उसके एंट्री प्राइस के, एंड विनिंग अमाउंट मेरा 2100 आसपास रहा था, एक दिन एक मैच का ही है। अगर मैं आपको अपने इन्वेस्टमेंट बताऊं तो यही मेरा कुछ 1000 के आसपास इन्वेस्टमेंट था, 1100 के आसपास, एंड 2200 अप्रॉक्स मेरे को फ़ायदा होगा, लगभग डबल लगा लीजिए आप। सो गाइस स्मॉल लीग तो ऐसी जीती जाती है, ज़्यादा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करिए अलग अलग कैटेगरी के, आप ज़रूर जीतेंगे स्मॉल लीग, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा मैंने आपको दिखाई है, जैसे स्क्रीनशॉट दिखाई दिया है। सो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।